Los por Anurag. हाय गाइस, मेरा नाम अनुराग है। सब सुंदर सुंदर चेहरे यहाँ मौजूद हैं। एक सुंदर चेहरा मेरे साथ भी, उसको हाय बोल रहा है, अकेला फील कर रही है, पहली बार आई है। अरे ऐसा हाय, तो भाई आप हाय बोल दो, मैं हेलो बोल दूंगा। अच्छा, तो शो आपके ही हमारे बाहर नहीं होते, शायद भाव दे दे। नहीं, बाकी नहीं देगी उसका भी बॉयफ्रेंड। बाकी आजकल फ्रेंड करने में ज्यादा स्कोर पर चले हम। आप लोग का, मैं जो कविता सुनाऊंगा उसमें आप लोग का धैर्य और आदर दोनों चाहिए मेरे को। धैर्य इसलिए क्योंकि आपको एक फ्लो में चलना है, कल्पना करनी है, और आदर इसलिए क्योंकि उस कविता का प्रसंग प्रेम है लेकिन भाव भक्ति है, रस भक्ति है। सदियों पुरानी एक कहानी आज तुम्हें सुनाता हूँ, सत्य सनातन इतिहास का एक सुंदर अंश बताता हूँ। एक शहर मिथिलांचल का जिसका नाम जनकपुर था। राजा थे या ऋषि सिंहासन पर यह तय कर पाना असंभव था। वहां जो राजा थे, राज ऋषि जनक बोलते थे, वो राजा भी थे ऋषि भी थे। राजा सा रूलिंग और ऋषि सा रिलेशंस। राजा थे या ऋषि सिंहासन पर यह तय कर पाना असंभव था। संस्कारों से परिपूर्ण नगर में थी रोज सुनहरी शाम। संस्कारों से परिपूर्ण नगर में थी रोज सुनहरी शाम। पुष्प वाटिका वनस्पति अन्न धन संपन्न हमारा जनकपुर धाम। एक किंगडम को क्या चाहिए? कल्चर्ड लोग, नेचर लव, फूड सब था वहां पर एकदम संपन्न। अब वहां महल में थी एक राजकुमारी जो जन जन को प्यारी थी। होती भी वह क्यों न बरा, वह स्वयं हरिप्रिय दुलारी। वहां महल में थी एक राजकुमारी जो जन जन को प्यारी थी। होती भी वो क्यों ना भला, वह स्वयं हरिप्रिय दुलारी थी। उनका परिचय देता हूँ। सामर्थ्य इतना कि रुद्र का धनुष पिनाक उठा दे मात्र अपने अंतरबल से। सामर्थ्य इतना कि रुद्र का धनुष पिनाक उठा दे वह अपने अंतरबल से। क्षण भर में कठोरतम हृदय पिघला दे अपने निर्मल कोमल दिल से। पिनाक धनुष का हर पर नहीं उठा सकता। पिनाक सारंग गांडी विजय ये सेलेस्टियल वेपन्स है, इसलिए आपको बाहुबल नहीं चाहिए, स्वयंवर में बहुत ताकतवर थे। इसके अलावा आपको प्योरिटी ऑफ सोल चाहिए। हम कलयुग में जो हमारे किसी के पास नहीं। एक दिन नगर में हुआ ऐलान, वह उनसे ब्याह रचाएंगी। एक दिन नगर में हुआ ऐलान कि वह उनसे ब्याह रचाएंगी जिसके शिव धनुष उठाते ही प्रत्यंचा से धरती थर्राएगी। जब लड़की की शादी फिक्स हो जाती है तो वो थोड़ा सा विचलित हो जाती है, थोड़ा सा नर्वस के सबके साथ होता है। तब राजकुमारी सोचत वाटिका में पुष्प तोड़न आई। तब बहनों सखियों की कानाफूसी ने उन्हें एक बात बतलाई। ब्रह्म ऋषि संग दो राजपुत्र हमारी नगरी में आए हैं, जिनके सूर्य सम्मुख देखकर ही स्वयं राज ऋषि जनक मचलाए हैं। मतलब हाहाकार मच गया कि ऐसे लोग, ऐसे दो पुरुष आए कि मतलब राज ऋषि इनके अंदर मतलब फैशन से जनक वो भी विचलित हो गए, स्वयं राज ऋषि जनक मचलाए हैं। तभी अचानक वाटिका में हलचल, दो अनजान पुरुष नजर आए। राजकुमारी की आंखें उनमें से सावली सूरत वाले से जाके टकराई। अब जानते हैं कौन? राजकुमारी की आंखें उनमें से जाकर सावली सूरत वाले से टकराई। जब उनसे आंखें टकराती तो पता क्या होता है? सबको उनसे किसी न किसी तरीके से प्रेम। प्रेम एक तरीका नहीं, प्रेम कई तरीके का होता है, सब जानो। मन शांत चित आनंदवन में एकांत थाप कर प्रस्तुत थी अद्भुत आकर्षक मनमोहक उस राजकुमार की सूरत। वो डॉक्टर स्ट्रेंज याद है, वो एकदम से उंगली करता है सोल बाहर आ जाती बॉडी से, तो वो ऐसा फील करो। मन शांत चित यानी सोल आनंद में, चित हैप्पीनेस में एकांत थाप कर प्रस्तुत थी। कहीं झटकी से एकांत का ब्लैंक का अनुभव होगा। अद्भुत आकर्षक मनमोहक उस रामलला की सूरत थी, मेरे रामलला की सूरत। राजीव नयन सुंदर सोहन,
राजीव नयन सुंदर सोहन जानकी सुद्भुत खो आई। वहां आदि पुरुष श्री राम को भी यह माया समझना है। दोनों देखते ही खो गए एक दूजे में, दोनों देखते ही खो गए एक दूजे में, माने चंद लम्हों में सदियां बीत गई। दोनों देखते ही खो गए एक दूजे में, माने चंद लम्हों में सदियां बीती। कभी भाई बहन ने आवाज लगाई तो दोनों सृष्टि में लौटे। जब सृष्टि के पालन करता भी इस भाव से बच ना पाए तो तुम और मैं तो नन्हे बालक है, मतलब प्रेम से कौन बचाए। दोनों के मन सब चित विचलित वाटिका से लौट कर आए। अब सृष्टि की माया देखो, दोनों के मन सब विचलित वाटिका से लौट कर आए। श्रम अवतारी लक्ष्मी विष्णु गौरी शंकर से आस लगाए, मिलन की आस लगाए, गौरी शंकर से आस लगाए। धन्यवाद, थैंक यू फॉर लिसनिंग।